अभी हम इसका पूरा फुल इंजन का काम करने वाले हैं, क्योंकि ये जो ब्लॉक है, ब्लॉक भी हम खोलने वाले हैं इसको। अभी इसका जो कहानी है और प्रॉब्लम है इसका, मैं आगे आगे आपसे शेयर ज़रूर करूँगा वीडियो में। और इस पूरा ब्लॉक को मुझे खोलना होगा अभी। तो पीछे से पूरा ये जो गियर बक्से का जो आपको बोल्ट दिख रहा है, पूरा बोल्ट हमको खोलना पड़ेगा यहाँ इसमें। तो भाई सभी जो है सत्रह नंबर का पीछे साइड का बोल्ट खोल रहा है। तो भाई अभी हम इसका जो है इंजन पूरा बाहर निकालने वाले हैं, और वीडियो में मैं आगे आपको बताऊंगा कि क्यों निकाल रहा हूं मैं पूरा इंजन का, क्योंकि जो इसका हेड था, हेड इसका थोड़ा सा बेंड हो गया था, इस वजह से हमें पूरा इंजन का ही काम करना पड़ रहा है। अभी इसका जो उतारने का जो रीज़न है, मैं आगे आपको वीडियो में ज़रूर बताऊँगा, वीडियो बने रहिए। सबसे पहले मुझे ऑयल निकाल के लेना होगा। हम लोग फोर क्लिप से जो है इंजन को निकाल रहे हैं अभी है। भाई हैंड ब्रेक लगाओ ना भाई, मेरा आँख से आंसू निकल रहा है भाई साहब, पसीना से। उधर हमारा बर्मन भैया है। हाँ निकालिए थोड़ा सा, जा ऊपर बैठ। तो गाइस मैं इस वीडियो में आप लोगों को पूरी पार्ट के बारे में बताने वाला हूं, और इसमें आपको एक्सप्लेन भी कराऊंगा कि कहां कहां पार्ट जो है ब्लॉक के अंदर लगता है। तो वीडियो पे आखिरी तक बने रहिएगा, वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन प्लीज़ पूरा वॉच करिएगा आप लोग, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा।
गाइस आप देख सकते हैं अभी जो है अभी इसका मैं पिस्टन निकालने वाला हूँ, जो कि ये 12 पेल का बोल्ट इसमें बॉक्स लगता है। आप देख सकते हैं 6 पिस्टन है, अभी मैं दिखाता हूँ निकाल के। अरे बाप रे भाई, खोल ऊपर वाला खोल पहले, चल खोल। हाँ खोल। तो गाइस अभी जो है पिस्टन इसका निकाल रहे बाहर, बाहर धकेल उधर से। अभी इसका कैप जो है हमने खोल के ले लिया इधर, आप देख सकते हैं। निकाल मार धक्का, मार मार धक्का, मार मार, बस। तो गाइस देख सकते हैं ये पिस्टन जो है ये निकाल के ले लिया हूँ। अभी इसका आप देख सकते हैं रिंग फिट के समय मैं इसका पोजीशन भी आपको बताऊंगा कि रिंग को किस तरह से रखा जाता है। तो गाइस अभी हम 3 नंबर का निकाल रहे हैं पिस्टन। धकेल, अभी रुक जा, टाइम लगी, टाइम लगी, कोई मैं लगे सर जाना आना। हाँ हाँ निकालो निकालो, निकालो। भाई दो मिनट लागे, सिर्फ एक नट टाइट करेगा है बस। निकालो, नहीं जाए, एक ही नट टाइट करेगा, एक का है बस। तो रुक जाइए, दूर है, निकाल भाई। तो गाइस देख सकते हैं ये निकल गया अभी 3 नंबर का, देख सकते हैं K1 है ये, हालांकि सब पर K1 लिखा हुआ है ये। अभी बारी बारी से सबको निकाल के मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस अभी हमने जो है 6 का 6 पिस्टन जो है निकाल के ले लिया है, एक इधर पे है और 3 यहाँ पे है और 2 यहाँ पे है। अब इसमें उल्टा सीधा आपको अब चेक करना है, क्योंकि इसके अंदर काटर नहीं है। आप देख सकते हैं काटर सिस्टम नहीं है यहाँ पे, जो कट होता है ना बैरिंग में, वो सिस्टम नहीं है कहीं भी, प्लेन बैरिंग है इसका। अभी मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, कनेक्टिंग रॉड देखिए, कनेक्टिंग रॉड जो है ना, आप कभी भी जब यहाँ से जब निकालते हैं ना पिस्टन को, तो ये जो लम्बा वाला आप दिख रहा है, ये लम्बा वाला, यहाँ से आपको क्या करना है, इसको मैच करना है। ये जो थोड़ा छोटा सा पॉइंट जो दिख रहा है आपको, ये पॉइंट और ये पॉइंट इस साइड में रहेगा, ये आपका जो जो तीर है, ये तीर के साइड में रहेगा, ये तीर के साइड में रहेगा। और आपको कभी भी फिट करना है अगर इसके अंदर कट नहीं है, कट नहीं है इसको, इसको कट नहीं दिया गया है, नहीं ये दोनों साइड में कट है, ये दोनों साइड में कट है, ये दोनों साइड में कट है, आप कन्फ्यूज हो जाइएगा। यहाँ पे अगर आप फिट भी करते हैं पिस्टन को, तो सबसे पहले जो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक चीज़ दिया गया है जो कि K1 दिया गया है, आप इसको भी देख के आप फिट कर सकते हैं, जो कि ये इंजन की तरफ रहेगा। और यहाँ पे भी एक मार्का दिया जाता है, जो कि अभी साफ़ नहीं है इसीलिए नहीं दिख रहा है आपको, ये मैं बाद में आपको दिखा दूँगा फिट करते समय। और ये कैप भी लगाने के लिए आपको यहाँ आप देख सकते हैं, इस साइड में कुछ भी नहीं है और यहाँ साइड में एक तीर का जैसा टाइप दिया हुआ है, जो कि ये इंजन की तरफ रहेगा, कुछ इस तरह से लगेगा ये, टाइमिंग की तरफ। हाँ सेम टाइमिंग की तरफ रहेगा ये, आपको हर पिस्टन का जो इसका पोजीशन है टाइमिंग की तरफ रखना है, तो इस तरह से आप फिट कर सकते हैं। तो गाइस अभी इसका जो हम है क्रैंक का खोल रहे हैं, और इसका मैं थ्रस्ट वाइजर भी आपको दिखाऊंगा, जो कि यहाँ पे है। अभी देख सकते हैं ये जो इसका टप्पा है, यानी कि इसका जो कैप है क्रैंक का, अभी मैं खोल रहा हूँ और सब खोल दिया हूँ यहाँ से, और दोनों साइड में भी रहता है। और ये जो है ये 1 नंबर है, और इसके आगे 2 नंबर है, जो कि इस पर भी लिखा हुआ रहता है। ये 3 नंबर है, यहाँ पर भी लिखा रहता है, लेकिन आपको साफ साफ नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है। और ये है, ये 4 नंबर है, सॉरी, ये जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है।
आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है। अभी इसका जो कैप है कैप बाहर करेंगे और इधर साइड में भी, इस साइड में भी इसका बोल्ट रहता है, दोनों साइड से रहता है बोल्ट। अभी इसका कैप निकालेंगे, फिर इसके बाद आपको ये जो थर्स वाइजर दिख रहा है आपको, इसको इसके बारे में बताएंगे आपको, क्योंकि इसमें भी उल्टा सीधा होता है और ये दो नंबर पे सेट होगा। ये थर्स वाइजर का वो पूरा कट इन दिया जाता है इसके अंदर बैठाने के लिए। अभी क्रैंक जो है निकाल के हम लोग ले लिए। अभी इसका थर्स वाइजर दिखाता हूँ। ये जो थर्स वाइजर है इसमें उल्टा सीधा होता है, आप इधर देख सकते हैं। ये जो नंबर लिखा हुआ है ये अंदर साइड में रहता है, यानी कि इसके साइड में रहेगा, कुछ इस तरह से रहेगा ये। अभी मैं कैप पर दिखा देता हूँ। अगर ये हम कैप फिट करेंगे यहाँ पे, कुछ इस तरह से फिट करते हैं कैप को, तो आपको ये जो कट वाला सीन होता है, यहाँ जो कट होता है ये कट बाहर की तरफ रखना होता है, और ये जो प्लेन पूरा रहेगा तो वो जो नंबर देख सकते हैं यहाँ पे नंबर है, ये नंबर लिखा हुआ है, ये नंबर आपको अंदर साइड में रहेगा, कुछ इस तरह से ये बैठेगा, कुछ इस तरह से ये बैठा रहेगा दोनों साइड में। और इसका नीचे भी है, इसका नीचे का भी थर्स वाइजर है, दिखा नीचे वाला, नीचे वाला भी सेम आप इस पे दिखाता हूँ मैं आपको एक सेकेंड। अब देख सकते हैं ये जो कट होता है, ये कट कभी भी जो क्रैंक होता है क्रैंक के साइड में रहेगा, और ये जो प्लेन वाला होता है ये कभी भी इसके अंदर रहेगा, इसके साइड में रहेगा। आई होप आप लोग समझ गए रहेंगे ये चीज़। तो ये कभी भी बाहर रखना है। चार थर्स वाइजर दिया जाता है। थर्स वाइजर इसलिए दिया जाता है जो क्रैंक का पले होता है उसको मारने के लिए दिया जाता है, ताकि जो क्रैंक सॉफ्ट होता है उसके अंदर पले ना रहे। और यहाँ पे है ऑयल शिफ्टर है, जो कि इसके अंदर ऑयल का प्रेशर आता है और ये दोनों पिस्टन का कनेक्टिंग रॉड को लुब्रिकेट करने का काम करता है। ये तीनों पिस्टन के पास रहेगा, ये सॉरी छह पिस्टन के पास रहता है ये दोनों साइड में। अगर चार पिस्टन का रहेगा तो सिर्फ जो ये नोक निकला हुआ है ये एक ही साइड में रहेगा, लेकिन इसमें छह पिस्टन है इसीलिए ये दोनों साइड में निकला हुआ है। अभी इसको पूरी तरह से क्लीन करके लेंगे। और यहाँ पे आपको कुछ दिखाया था, ये फ्राईबिल है, और यहाँ पे क्लच प्लेट भी इसका है, जो कि क्लच प्लेट भी रिप्लेस करेंगे हम। यहाँ पे ऑयल सम्प है, जो कि एलुमिनियम का है, और इसके अंदर स्टेनर जो होता है, ऑयल स्टेनर भी हम लोग इसको बोलते हैं। तो ये ऑयल स्टेनर जो है इसके साथ में ही रहता है, जो कि यहाँ से 10 नंबर का नट होता है, दो नट, इसको आप खोल के इसको इजीली तरीके से निकाल भी सकते हैं। और इसका जो आगे का सिस्टम होता है वो इसके प्लेट के अंदर रहता है, जो ये प्लेट है इस प्लेट के अंदर पूरा रहेगा, यहाँ तक आता है ये। और यहाँ पे छोटा सा इसका ऑयल सम्प जो है कि पतरे का होता है, ये ऑयल चेम्बर भी बोल सकते हैं आप इसको। और ये होता है फ्राईबिल साइड का, ये प्लेट है कुछ अल्मोनियम का, ये भी है, इसके अंदर एक ऑयल सील ठोका जाता है। और कुछ इधर क्रैंक है, ये पूरा क्रैंक है असेंबली। और इस साइड में एक गियर है, जो कि गियर भी बताता हूँ, ये आप देख सकते हैं ये गियर है। अगर इस गियर का एक भी टीथ टूट जाता है तो आप इसको चेंज करना होता है। अगर आप चेंज नहीं करेंगे तो फिर जो गाड़ी के अंदर काफ़ी तरह तरह का प्रॉब्लम भी आएगा, और हो भी सकता है कि गाड़ी स्टार्टिंग में भी दिक्कत आ सकता है, या फिर हो ना कभी स्टार्ट गाड़ी, इस तरह का प्रॉब्लम आने लगता है इससे। और यहाँ पे जो एक बराबर चीज़ दिया गया है, ये इसलिए दिया जाता है जब भी सेंसर के पास जो क्रैंक सेंसर जो लगा हुआ रहता है, जो कि इसका पोजीशन यहाँ पे है, ये क्रैंक सेंसर जो लगा रहता है, जब भी वो पोजीशन जो होता है यहाँ पे आता है तो एक राउंड होता है, उस तरह से ये काम करता है। ये जब भी एक राउंड घूमेगा फिर वो जो प्लेन वाला है यहाँ सेंसर के पास आएगा, फिर एक राउंड होता है, फिर वापस से घूमता है, फिर यहाँ पे आएगा, फिर दो राउंड होता है, इस तरह से इसमें काम करने का ये प्रोसेस होता है। और बाकी जो है यहाँ पे हम लोग जो पूरा क्लीन करके लिए हैं, और थोड़ा ऑयल पम्प जो है बाकी है, जो कि अंदर से साफ़ हुआ है, बाहर से साफ़ अभी नहीं किए हम लोग। आप देख सकते हैं अंदर से पूरा क्लीन हो रहा है, चकाचक एकदम पूरा इंजन हम करके ले रहे हैं।
और इससे पहले मैं एक वीडियो बनाया हूँ जो कि इसका खोलने का पार्ट है, आप एक बार जाके देखिएगा किस तरह से इसका इंजन का जो हाल था हो गया था ये, और काफ़ी गंदा हो गया था ये। इसका पार्ट भी मैं आपको इसमें एक फ़ोटो स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, तो आप देख लीजिएगा ये सब का हालत क्या हो गया था। इसमें पूरा ख़राब हो गया था, पूरी तरह से इसका जो ऑयल था जम गया था पूरी। तो चलिए हम वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं एक नए वीडियो में, सॉरी एक तीसरे पार्ट में मिलेंगे हम। तब तक के लिए दिल से आप लोग का थैंक यू। तो तीसरा पार्ट के आप लोग वेट करिए, उसमें हम फिटिंग का पूरा प्रोसेस लेके आएंगे पूरा।